So today in this video, we are going to talk about the second largest SIP manager in the world. Can you guess which company I'm talking about? Yes, you got it right. Fleet Management. Welcome to the episode 4 of Hashtag Inside the Company series. And as you all know that I have already made 3 videos in this series. Who don't know about this, please do check these videos also. And basically in this series, I make the videos about the basic information of the company, which type of vessels are there in the company, and how many offices and how many seafarers, that kind of information I generally give in this series. So it helps you, you know, like if you want to search for a company, for the details of the company, then you can have this series. You should watch this series, and in a very short period of time, you will get an idea about the company. So it is going to help in this way. So hope you will like it. So watch till the end. So Fleet Management ka naam pehle se aapne suna hoga, kyunki ye one of the most reputed company hai, theek hai? Second largest ship manager in the world hai ye. Aur 26 saal ka experience sea service iski ho chuki hai. 12 कंट्री से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट होती है, ठीक है. कंपनी 600 प्लस वेसल्स इसमें है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. 20 प्लस थाउजेंड सी फेयरर्स इसमें अभी काम कर रहे हैं. 900 शोर बेस्ड प्रोफेशनल्स में काम कर रहे हैं. साथ में 27 ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड है. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं इसमें. 1% ऑफ वर्ल्ड्स कंटेनर फ्लीट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट करती है, और साथ में 2% कमोडिटीज फ्लीट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट करती है. सो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है. 1% 2% वैसे सुनने में कम लगता है, लेकिन जब आप इसे पूरे जो पूरे वर्ल्ड के जो कंटेनर्स हैं, तो 1% उसका आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है. सो इससे ही पता चलता है कितनी बड़ी कंपनी है. और साथ में यहां पर अगर आपने इसी साइट खोलोगे तो बेसिकली जो वैकेंसीज निकलती है तो वो ऑफिसर्स के लिए निकलती है. यहां पर आप डेक कैडेट के लिए या इंजन कैडेट के लिए ऐसी कोई पोस्ट नहीं देखोगे, या आप थर्ड ऑफिसर के लिए भी ज्यादा पोस्ट नहीं देखोगे. यहां पर आप देखोगे सेकंड ऑफिसर के लिए, मास्टर के लिए, या आपके चीफ ऑफिसर, ठीक है. तो इनके लिए आप ज्यादा पोस्ट देखोगे. और एक चीज और बता दूं, अगर आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो आपको स्पॉन्सरशिप कहां से मिल सकती है. आपके पास 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपका हो गया ARI अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा आपका हो गया IMI इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो नोएडा वाला है, ठीक है. तीसरा आपका हो गया तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट. तो इन तीनों से आपको फ्लीट मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप मिल सकती है अगर आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट. तो आप इन तीनों इंस्टीट्यूट से स्पॉन्सरशिप लेके ज्वाइन कर सकते हो. कंपनी बड़ी और बहुत डिफरेंट टाइप के आपको उसमें वेसल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप के बल्क कैरियर हो गए, केमिकल टैंकर हो गए, गैस कैरियर हो गया आपका, प्रोडक्ट टैंकर हो गया, रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स हो गए आपके, और साथ में जो प्योर कार वेसल्स होते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लीट मैनेजमेंट. और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो इंस्टाग्राम में देखो 2 अकाउंट है मेरे, एक तो मेरा पर्सनल हो गया, दूसरा मैंने बेसिकली बी मरीनर वाला एक अकाउंट बनाया था, वो आपके लिए, ठीक है. उसमें पूरा जो रिलेटेड है, लाइक प्लेसमेंट स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जो भी पोस्ट होंगे वो आपके लिए है, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज अगर आप कर रहे हो तो उस पर करो, बी मरीनर -303 जो अकाउंट है उस पर आप मैसेज कर सकते हो. पर्सनल में क्या हो जाता है ना, जैसे आप मैसेज भेजोगे तो वहां रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से मैं बहुत से मैसेज देख नहीं पाता हूं. तो बी -mariner-303 वाले जो अकाउंट है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है. तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में.